हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, तो पीछे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ पी इज, देखो यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है, इज द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए एंड मॉड ए इज इक्वल टू 4, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ऑप्शन आर ए बी सी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है कि पी इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू दी गई है। अब इसमें क्या बोला है कि इफ पी इज द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए, यानी कि ये जो हमारा पी है ये एडजॉइंट है किसका, मैट्रिक्स ए का, जो कि हमारा 3x3 ए का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ए है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो आपको यहाँ पे सिंपल से अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब मैं इसको इसको क्या लिख सकता हूँ, तो अगर हम इसको यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो देखो क्या लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा पी है वो क्या है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इसका डिटर्मिनेंट, ये कुछ इस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए का जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है, अगर मैं आपको लिखूं, तो हमारा जो एडजॉइंट ए है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मॉड ए की पावर एन माइनस वन है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए नहीं होनी चाहिए। तो अब ये तो हो गया है मेरे पास मॉड पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है मॉड ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है दोस्तों। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास डेल्टा पी है, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे अपना इस डेल्टा पी को देखते हो, तो अब अगर हम यहाँ पे अपना ये जो पी है, देखो पी क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है। अब अगर मैं इसको पी को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो पी की वैल्यू कितनी होगी, मेरे ख्याल से ये कलर विजिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो इस पी की वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये हो जाएगा देखो 1। ये हम करेंगे आपका 12 माइनस 12, फिर ये होगा माइनस का अल्फा, इसका आप करोगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 6, और फिर होगा आपके पास प्लस का 3। और इसका अगर आप देखोगे तो 3 है, तो ये हो जाएगा, ये 3 है, ये इसका इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6, तो ये भी मेरे पास कितना है, 4 माइनस 6, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो चुका है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा। देखो ये वैल्यू 2 अल्फा हो गई है, क्योंकि यहाँ से माइनस कर टू, ये 2 अल्फा, और ये बचेगा माइनस कर टू, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो माइनस का 6, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आई थिंक ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो ये हमारे पास मॉड पी की वैल्यू आ गई है। तो अब मैंने यहाँ से अपना मॉड पी निकाल लिया है, तो मॉड पी, ठीक है, तो मॉड पी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, मॉड पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास, और ये फॉर्मूला क्या था, मॉड ए एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू मॉड ए, और ये हमारे पास 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको मैं, ये वैल्यू 4 है, इसकी पावर 2 हो जाएगा, तो 2 अल्फा माइनस का 6 इज इक्वल टू 16, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 22, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 11। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, बी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, मिलते हैं कल, बाय बाय।